हे नारायण, इंद्रदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। के नन्हे चरणों को स्पर्श कर मैं धन्य हो गया प्रभु। अपने प्रभु को सुरक्षित गोकुल तक पहुंचाने का कार्य मेरा है। देवराज, वर्षा की बूंद के माध्यम से आपने प्रभु के चरणों का स्पर्श तो कर लिया, परंतु वास्तविकता में भक्ति की शक्ति तो चरण पखारने में है। और अब देखना मैं कैसे अपने जल का स्तर बढ़ाकर प्रभु के दोनों चरणों को पखारूंगी। नारायण, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए नारायण। धन्यवाद प्रभु, मेरा मंतव्य सफल रहा। प्रणाम महादेव। महादेव, आपके आराध्य को जन्म लेकर जहां पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। अब तो आप बता दीजिए कि आप अपने आराध्य के नए रूप के दर्शन कब करेंगे। मुझे कोई निमंत्रण तो आया नहीं उस ओर से, तो भला मैं क्यों जाऊं। आप लोग जो निश्चय करके आए हैं उसे पूरा कीजिए, जाइए। यहाँ आकर एक विचित्र सी शांति अनुभव हो रही है। कदाचित मैं उचित स्थान पर आया हूं।
प्रभु, आपका दाऊ मैया यशोदा के घर में आपका स्वागत करता है। आश्चर्य, पुनः एक चमत्कार। यहां पे सब निद्रा में लीन है। अच्छा है, इन सब के जागने से पूर्व बालक को इस पालने में सुलाकर यहां से निकल चलता हूं। आश्चर्य, देवी यशोदा को भी आज ही संतान प्राप्ति हुई। क्या संकेत है? अपने पुत्र को यहीं छोड़ दूं? परंतु ऐसा करने पर सबको ज्ञात हो जाएगा कि दूसरा पुत्र उनका नहीं। और यदि अपने पुत्र से इस बालक को बदल लूं, मथुरा ले जाऊं, वो पापी कर इसके प्राण ले लेगा, इसे जीवित नहीं छोड़ेगा। कैसा धर्म संकट है प्रभु, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं अपने पुत्र को ही वापस लेकर जाऊंगा। मैं अपने पुत्र के लिए किसी और की संतान के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। इस पाप के लिए देवकी मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। पर यशोदा ने तो हमारी संतान की सुरक्षा हेतु ये पीतांबर भिजवाया था। देवकी को ये पीतांबर दे देना। ये केवल वस्त्र नहीं है, ये मेरी आस्था का कवच है। इसे मैंने अपने होने वाले लल्ला के लिए बनाया था। रक्षा तो ममता की होगी ना, और फिर क्या पता देवकी के उस पुत्र से मेरे होने वाले लल्ला का भाग्य जुड़ा हो।